अब ये गाना बाकी जैसे हौले हौले तेरे नाम कहूँ, तेरे नाम करूँ मैं, हाँ तेरे नाम करूँ मैं, तो ये पूरा रोमांटिक ही है, आपने लिखे हैं गाना और जैसा लफ्ज है वैसा ही गाना बनता है, शब्द प्रदान है तो शब्द को देके आप गाना बनाते हैं और इन्होंने बहुत, साधना जी ने बहुत अच्छी गाई हैं, कोशिश की है हमने इसमें चार चांद लगाने के लिए, मेरे बेटा अक्षय ने इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है, अरेंजमेंट्स किया है, तो सब साथ मिलकर किया, क्योंकि जो आप एक चीज़ तैयार किए हैं उसमें जो भी करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं, मेहनत का काम होता ही है, और एक एक थॉट को हम पेश करते हैं, संगीत का रूप तो नहीं है, सिर्फ सुन सकते हैं आप, एक थॉट है, एक प्रोसेस है, एक फीलिंग है, और जब वो आम मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ा पेमेंट क्या सच चाहिए, बहुत बहुत खुशी होती है। कुछ किसी ने कहा रे आपका ये गाना और गुनगुना के भी सुनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि क्रिएशन के लिए बहुत काम है वे बाकी, तो रिक्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि जो किया है बहुत बहुत ही अच्छा है, उसका मज़ा लो, उसी रूप से मज़ा लो, और जिनको कुछ करना है बहुत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है ये, सिर्फ जो एक रूह है पुरानी चीज़ की उसे खो मत जाइएगा, उसको रखते हुए आप उसे नयापन, लिबास जो है वो कुछ नयापन उस पर मतलब वेर, मगर सोल को चेंज मत कीजिए। चिंता आ गई, सफ़ेद बाल आ गए, तो चिंता हुई कि अब पता नहीं भगवान हम में से किसको बुला ले, लेकिन एक प्रॉमिस करेंगे कि जो भी पहले जाएगा ऊपर वो दूसरे के सपने में आएगा और बातचीत करेगा और मिस नहीं करेंगे हम एक दूसरे को। इत्तेफाक से तबला प्लेयर की पहले डेथ हो गई वो, लेकिन डेथ के बाद में वो रोज़ सपने में आते, 10 दिन तक आए, 10 दिन बाद एकदम बंद कर दिया उन्होंने आना, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद जाके आए वो, तो उन्होंने कहा भाई तुमने वादा किया था रोज आओगे, ये 1 महीने का गैप कैसे हो गया। तबला प्लेयर बोला कि अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी तो ऊपर भी बड़ी बड़ी महफिलें जमती हैं, आजकल तो गज़ल सिंगर भी आ गए हैं, मेहदी हसन साहब आ गए हैं, जगजीत सिंह जी भी आ गए हैं, कभी बिस्मिल्ला खान साहब बुलाते हैं, कभी अमीर खान साहब बुलाते हैं, मेरी तो इतनी बुकिंग हो गई है। उस समय भी आए थे पंडित जी और ये आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच पंडित जी फॉर कमिंग, आपके आशीर्वाद और सतत हमारे मार्गदर्शन आपका हमेशा चाहिए, और साथ में हमारे साथ में विनाज जी जो कि गजल गायकी की क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है और इतना बड़ा मुकाम है, और साथ में मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है, साथ काम करने अभी किया है साथ में और आगे भी करना है। विनाज जी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। फिरोज जी आपका आपका आना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आप आए, बहुत शुक्रिया। नहीं आजकल क्या कर रहे हैं बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और इनका जो वर्सटैलिटी मैं महसूस किया हूँ, मतलब इन्होंने सरस्वती चालीसा आज तक किया है, नहीं किसी ने लिखा नहीं, इन्होंने लिखा है और इट्स गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून, और रोमांटिक गाना भजन कमाल, गॉड ब्लेस यू।